जयपुर बार काउंसिलिंग के पूर्व चेयरमैन संजय शर्मा की रोड एक्सीडेंट में रविवार को मौत हो गई। वह बुजुर्ग माता पिता और बेटी को घर छोड़कर पत्नी के साथ एक प्रोग्राम में शामिल होने बीकानेर गए थे। बता दें कि बीकानेर नेशनल हाईवे 11 पर रविवार शाम करीब 4 बजे हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें जयपुर के रहने वाले राजस्थान बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा भी शामिल है, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। सोमवार सुबह जब उनके घर पिता की लाश आई तो संजय के शव को देखकर परिजन फुट फुट कर रोने लगे। बार काउंसिलिंग के पूर्व चेयरमैन संजय शर्मा मूलतः भरतपुर के बयाना के रूपास के रहने वाले थे और फिलहाल वे जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर में रहते थे। पूर्व चेयरमैन संजय शर्मा की मौत का पता चलने पर एडवोकेट सदमे में है। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संदीप ने बताया कि हादसे दुखी वकीलों ने सोमवार को न्यायिक कार्य स्थगित